क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, बिहार का सबसे बड़ा डी एरिया क्रिकेट टूर्नामेंट 19 से 21 अप्रैल तक सिवान शहर के पंच मंदिरा में आयोजित किया जाएगा। विशेषता यही है कि यहाँ पे मतलब सारा वेल मेंटेन में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है और बिहार के गिने चुने टूर्नामेंट टीम को यहाँ पे एंट्री दिया जा रहा है, जो काफ़ी अच्छा जो टीम है उसी को एंट्री दिया जा रहा है। और यहाँ पे टूर्नामेंट में जीतने वाले टीम को रकम 1,00,000 रुपया रखा गया है और हारने वाली टीम को 50,000, और मैन ऑफ द सीरीज में फ्रिज रखा गया है, फाइनल मैन ऑफ द मैच साइकिल रखा गया है। और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके सुशांत ब्लास्टर यूट्यूब चैनल जो है कोलकाता साइड के, उनको बुलाया गया है ताकि यहाँ पे थर्ड एम्पायर का भी व्यवस्था हो, रिप्ले का भी व्यवस्था हो। आप काफ़ी जगह टूर्नामेंट देखते होंगे, रात में मैच होता है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है जिसके कारण थर्ड एम्पायर और रिप्ले का व्यवस्था नहीं होता है। यहाँ पे वेल मेंटेन ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है और सिवान के धरती पे ये पहला ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे थर्ड एम्पायर का भी व्यवस्था है, रिप्ले का व्यवस्था है और सारा वेल मेंटेन में एम्पायरिंग होगा। यहाँ पे बाहर से एम्पायर बुलाए जाएंगे। कहाँ पर हो रहा है मैच? ये सिवान के राजेंद्र स्टेडियम के पास पचमंदिरा पोखरा है जो कि इसमें काम लगा हुआ है कल से, इसी में ये टूर्नामेंट होगा। और ये यहाँ पे इंटरनेशनल भी स्टंप भी लगेगा इस टूर्नामेंट में, विकेट में एकदम समझ लीजिए एक तरह से ये टूर्नामेंट मिनी आईपीएल की तरह होगा। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। और नाम क्या है? इस टूर्नामेंट का नाम है अस्तव्य सिवांस डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट हमारे मोहल्ले के सारे जितने भी अभिभावक हैं, वार्ड पार्षद हैं, हमारे भाई हैं, मंडा भाई हैं, मनीष गिरी भाई हैं और अंकल जी लोग हैं, सारे लोग के सहयोग से ये टूर्नामेंट हो रहा है ताकि ये सिवान में एक पैच, इस टीम में यूपी की टीम है और बाकी अदर सारे डिस्ट्रिक्ट की टीम है यहाँ पे। और डी एरिया का मैच है क्या? हाँ, ये डी एरिया का टूर्नामेंट है, इसमें आप केवल चौका मार सकते हैं और ये टूर्नामेंट नाइट में होगा और ये टूर्नामेंट 3 दिनों में होगा। तो सिवान में अब तक ऐसा टूर्नामेंट हुआ है? नहीं, सिवान क्या ऐसे पूरे बिहार में ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ है जहाँ पे रकम 1,00,000 रुपया हो डे नाइट टूर्नामेंट डी एरिया में। यहाँ पे हर जगह फुल एरिया का टूर्नामेंट होता है जिसमें रकम 1,00,000-2,00,000 भी रखा जाता है, लेकिन डी एरिया के टूर्नामेंट में कहीं भी 1,00,000 रुपये और उप विजेता को 50,000 नहीं दिया गया है। और ये टूर्नामेंट आने वाला समय में और ये मुकाम हासिल करेगी। और ये टूर्नामेंट आयोजक कौन है? आयोजक हमारे मोहल्ले के सारे सभी अभिभावक हैं, सब लोगों के सहयोग से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कब? रात में होगा। हाँ, ये 19 तारीख से स्टार्ट होगा उद्घाटन मैच और 21 तारीख को इसका फाइनल मैच होगा। सिवान टीम खेलेगी इसमें? सिवान, हाँ, सिवान की इसमें 3-4 टीम है जो यहाँ के सिवान की नामी टीम है, जो डी एरिया का स्पेशलिस्ट टीम है, उन लोगों को एंट्री दिलाया गया है। कितना टीम इसमें टीम 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही है और ऐसे तो 30-40 टीम का फोन आ चुका है कि हमको दीजिए, इसलिए कि यहाँ पे टूर्नामेंट ऐसा नहीं होता है, बट हम लोग गिना चुना 16 टीम को एंट्री दे रहे हैं। तो पैसा भी, एंट्री फी वगैरह भी है? एंट्री फी एकदम नाम मात्रा के बराबर, उन लोगों को उस एंट्री फीस में उसी पैसा से उन लोगों को ड्रेस दिया जाएगा और उन्हीं बस एक समझ लिए वो सिक्योरिटी मनी के तरफ से छोटा सा रकम है, फॉर्मेलिटी है। हाँ, फॉर्मेलिटी है, बाकी वो टूर्नामेंट में एंट्री फीस वैसे कोई खास। मेरा नाम है रवि शर्मा। ये मोहल्लों के युवा दल के सहयोग से ये टीम का आयोजन किया गया है जिसमें नीरज पटेल वार्ड पार्षद का बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने खेलों में दिलचस्पी समाज को क्या देगा? समाज को उत्साहित करेगा। आप सब लोगों का सपोर्ट है? बिल्कुल, सबका सपोर्ट है। सारे इसमें युवा प्लस अभिभावक सभी वर्ग का सहयोग है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लड़का बोल रहा है सब बहुत बढ़िया मैच करा रहे हैं, पूरे बिहार में इस तरह का बिहार लेवल पर हो रहा है। हम लोग के मोहल्ले में हमारे ही छोटे भाई रवि शर्मा के द्वारा और हमारे सभी युवा साथी सब लोग मतलब मोहल्ले के लोग मिलकर बिहार लेवल पे सबसे बड़ा मतलब डी एरिया टूर्नामेंट का आयोजन किया है लो, जिसमें हम लोग सब लोग मिलजुल के इसको मतलब सफल और भव्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं लोग। प्रतिनिधि हैं आप पर तो विशेष जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है और हमारे मोहल्ले के जितने भी युवा साथी हैं उन लोग ये मतलब ठाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसी पोखरे में मतलब होगा टूर्नामेंट। अभी संधिकरण करने का मतलब काम लगा था,
आदमी सोचा गया है कि मतलब काम तो हो ही रहा है, इसी में मतलब एक बहुत बड़ा मतलब टूर्नामेंट मतलब किया जाए जो पूरे सिवान में मतलब इसका एक माहौल बने कि हाँ युवा लोग आए बढ़ चढ़ के इसमें मैच का मतलब लाभ उठाए। अगली बार तो इसमें नहीं हो पाएगा, अगली बार नहीं हो पाएगा, अभी अगर मौका मिला है तो अभी कुछ नया किया जाए, जगह जब है तो अभी कुछ नया किया जाए। पिछले साल तो इसको मतलब संधिकरण करके भव्य एकदम पार्क टाइप पे बन जाएगा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितना भी श्रोतागण में जितना भी दर्शक में जो क्रिकेट प्रेमी है उनसे आग्रह करेंगे कि ये पचमंदिर राजेंद्र सिंह पास जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें आकर इस मैच का लुत्फ उठाएं, और ये बिहार में पहली बार डी एरिया जो मैच हो रहा है जिसमें इतना भारी रकम प्राइज रखा गया है, जिससे 1,00,000 विनर प्राइज है और रनर प्राइज 50,000, और ये रवि शर्मा के सहयोग से और सभी मोहल्ले के युवाओं के सहयोग से बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये टूर्नामेंट हम लोग सफल बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा इस पे एक्सपेंस हो रहा है, बहुत अच्छा मतलब ग्राउंड बनेगा, अच्छे अच्छे खिलाड़ी आएंगे, सभी जितने यहाँ हमारे भाई खेलने वाले हैं जो क्रिकेट खेलने वाले हैं देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ यहाँ पे बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, सबको अच्छा लगेगा मोहल्ला में। हाँ एकदम अनुशासित क्रिकेट होगा। हम लोग अभी तो अभी ग्राउंड मेंटेन के लिए तैयारी किए हैं, एकदम उसको कैसे बना रहे हैं। हाँ ठीक है, क्या नाम आप आयोजन करता है? जी हम और रवि भैया हैं आयोजन करता है। हाँ कब से मेहनत कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये 3 दिन से अभी तो मेहनत कर रहे हैं, अभी फिर अभी तो बहुत समय है, 19 तारीख से स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ और अच्छा रामनवमी के दूसरे दिन। हाँ दूसरे दिन फाइनल कब होगा इसका? फाइनल ये मंडे को हो जाएगा सैटरडे। मतलब एक्साइटेड है, कितना खुशी है आपके मोहल्ले में इतना बड़ा आयोजन? बहुत ज्यादा खुशी है, और हम तो चाहेंगे कि ऐसा प्रोग्राम ऐसा मैच हर साल हो, लेकिन जगह के कारण ऐसा प्रोग्राम इसके पहले भी नहीं हुआ था, और अब मौका मिला है इस बार कराने का तो कराया जा रहा है। और अगर इसमें टाइम लगेगा एक साल और पोखरा सौंदर्यीकरण में तो एक बार और करवाया जाएगा। आपका किस तरह का सहयोग है इसमें? हमारा क्या है, सबका साथ सबका विकास, हम सर्वदलीय हैं, निर्दलीय हैं और सबको लेके चलते हैं। मोहल्ले के सभी लोग मिलके टूर्नामेंट करा रहे हैं और हम लोग सब साथ मिलके इस टूर्नामेंट को बहुत बड़ा बनाएंगे। क्या विशेष है? विशेष के टूर्नामेंट में 1,00,000 इनामी राशि है, 50,000 उपविजेता है, और भी बहुत सारा इनाम है जो आपको धीरे धीरे और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। अच्छा।